प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हुए हादसे के बाद यूथ कांग्रेस द्वारा सांसद शंकर लालवानी के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। हालांकि इस दौरान लालवानी सिंधी समाज के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भोपाल गए हुए थे। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही हादसे के दोषियों को सजा दो के भी नारे लगाए। देखिए ये रिपोर्ट। स्नेहनगर में हुए मंदिर हादसे को लेकर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी के आवास का घेराव किया। पलासिया स्थित सांसद आवास के आसपास सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया था। भारी संख्या में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सांसद आवास की तरफ बढ़े। कार्यकर्ता सांसद लालवानी को कफन भेंट करना चाहते थे। मौके पर पहले से ही तैनात भारी पुलिस बल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और बाद में कफन भेंट करने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दौलत पटेल, सुनील कांबले, अंकित दुबे और सौरभ शर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। काला पानी की सजा दे दे, लेकिन ये लोग इतनी जो पुलिस की बर्बरता और ये तानाशाही का जो हमें सांसद है इंदौर के महापौर, उनसे हम मिलना है, उसके बाद इतना बड़ा घटनाक्रम, हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, यहाँ पे पुलिस के आगे हमें पूरा नतमस्तक कर दिया गया है और अंदर भी हमारे साथ तानाशाही। जो 36 हत्याओं का एक्चुअल में हत्यारा है वो शंकर ललवानी है। इनने अपने गुर्गों को अवैध निर्माण कराया और निष्क्रिय सांसद है। हत्या पर इनको जिम्मेदारी लेना होगी और जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना होगा। ये युवक कांग्रेस में युवक कांग्रेस और सांसद भोपाल में कार्यक्रम कर रहे थे। सबसे जैसा कि इंदौर में एक बड़ा शर्मनाक और बड़ा दुखद घटनाक्रम हुआ है जिसमें करीबन 37 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें कब्जा धारक एक पूर्व बीजेपी का नेता था और जिनको शंकर लालवानी जी का संरक्षण था और इनके संरक्षण के कारण ही जो नगर निगम के अधिकारियों ने बयान दिए हैं कि इनके संरक्षण से उनके दबाव के कारण वो अतिक्रमण के लिए कई बार हड़ाने की कार्रवाई करी गई लेकिन इनके द्वारा नहीं करने दी गई थी। इसलिए इस पूरी मौतों का जिम्मेदार श्री शंकर लालवानी जी हैं और यूथ कांग्रेस इनसे इस्तीफे की मांग करने और आज इनको कफन भेंट करने आया था। जैसा कि आपने देखा कि एक इंदौर शहर की जनता जो इतनी दुखद माहौल में है, उसके बाद भी कल शंकर लालवानी जी बड़े ही सुखद माहौल में भोपाल के अंदर एक बड़ी सभा के अंदर बैठ के आनंद ले रहे थे। मेरा इस पूरी इनकी मानवता जो अंदर जो संवेदना है वो पूरी मर चुकी है। इनको तुरंत जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। आज हम शंकर लालवानी घर पे कफन भेंट करने आए थे लेकिन पुलिस ने आपने देखा कि बड़ी बर्बरतापूर्वक हमको गिरफ्तार करके हमारे साथी को जेल भेज दिया गया है और हमें करने नहीं दिया गया है। लेकिन हमारा अग्रिम इस पे हम जो प्रदर्शन जारी रखेंगे, गिरफ्तारी छूटते ही वापस प्रदर्शन करेंगे। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल सांसद निवास के आसपास तैनात किए गए थे। यहाँ पर कांग्रेस के कुछ प्रदर्शनकारी आए हुए थे, बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे, चूँकि अवैधानिक रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जा रही है।
यहाँ पर आकर नारेबाजी कर रहे थे। अब कोई विस्तृत रूप से बातचीत नहीं की किसी भी तरह की और ना ही कोई इस तरह की चीज़ बताई है। नारेबाजी के बीच में चूँकि गैरकानूनी रूप से कर रहे थे तो पुलिस ने इसमें कार्रवाई की। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हुए हादसे के बाद यूथ कांग्रेस द्वारा सांसद शंकर लालवानी के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। हालांकि इस दौरान लालवानी सिंधी समाज के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भोपाल गए थे। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, साथ ही हादसे के दोषियों को सजा दो के नारे भी लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।